हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। स्क्वीज़ के हिसाब से अच्छा सेटअप है और फिर एलिट व्यू के हिसाब से भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी और ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर हम निफ्टी को देखें तो आप देखिए कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया था और अब जो है यहाँ पर एक अच्छा रिट्रेसमेंट आया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट आया था दैट वाज अराउंड 200 SMA के आसपास गया, बट उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है और अब जो है यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि 50 EMA के आसपास उसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज़ 50 EMA और ये जो रेड लाइन है दैट इज़ 200 SMA, तो वहाँ पर सपोर्ट लेके अब जो है ये करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर जा रहा हो ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे तो यहाँ से ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है निफ्टी, ऐसा लग रहा है। और RSI भी आप देखोगे 60 के आसपास है, तो स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बुलिश है। स्क्वीज़ के हिसाब से हम देखें तो ये स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर 60 मिनट का मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर भी किया था और उसके बाद अच्छा मूव भी आया है। और अब हम 75 मिनट के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो आप देखें कि 75 मिनट के हिसाब से यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। मोमेंटम हम देखें तो ज़ीरो के ऊपर, इनफैक्ट ज़ीरो के आसपास सपोर्ट लिया और वापस अब टर्न अप हो गया है, मतलब ऊपर है, ज़ीरो के ऊपर है। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पर आप देखोगे बैकग्राउंड अब ग्रीन हो गया, दैट मीन्स ऑल द EMAs आर पॉजिटिवली अलाइन। तो स्क्वीज़ की स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है यहाँ पर और टेक्निकल स्ट्रेंथ हम देखें 75 मिनट के हिसाब से दैट इज़ वेरी स्ट्रांग। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो स्क्वीज़ है अब यहाँ से ऊपर की साइड में फायर हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है। एलियट वेव के हिसाब से हमें समझना हो तो आप देखिए कि ये 75 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर ये जो सेटअप, मुझे मैंने लेबलिंग नहीं किया है बट ये लग रहा है कि ये सेटअप 1 बाय है। जो मेरा एलियट वेव का जो कोर्स है उसके अंदर मैं सिखाता हूँ कि 4th वेव का रिट्रेसमेंट होता है और 5th वेव के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हो आप। तो यहाँ पर उसको लेबल करना है, हम तो इस तरह से लेबल कर सकते हैं, दिस कुड बी वेव 1, ये वेव 2 है, यहाँ पर वेव 3 कम्प्लीट हुआ, ये वेव 4 है और अब ये 5th वेव के लिए जा रहा है। दिस इज़ सेटअप 1 बाय, दैट मीन्स कि 4th वेव कम्प्लीट हो गए हैं और 5th वेव के लिए ट्रेड हम कर रहे हैं। और इनफैक्ट ये जो है एलियट वेव, फिर स्क्वीज़ और CCI, ये कुछ कोर सेटअप्स है, उस पर मैं इंटरेक्टिव क्लासेस भी अभी प्लान कर रहा हूँ कि उसके अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हम डिस्कस करेंगे। तो एलियट वेव के अंदर जैसे मैंने बताया ये एक वन ऑफ द सेटअप्स, फिर जो ट्राइंगल का सेटअप है उसको कैसे ट्रेड करना है, फिर सी वेव को कैसे ट्रेड कर सकते, हमने यहाँ पर सी वेव का भी ट्रेड लिया था, इसको हम लेबल करें ये जो करेक्टिव पैटर्न है यहाँ पर, तो दिस इज़ A, B and C। हालांकि उसमें हमें कुछ प्रॉफिट नहीं मिला बट कुछ गया भी नहीं है। तो यहाँ पर सी वेव का भी हमने ट्रेड लिया था नीचे की साइड में, तो सी वेव को कैसे ट्रेड कर सकते हो। फिर ये ब्रेकआउट अभी क्या है कि ये ब्लू बार बना है, ये जो DMA लाइन है उसके ऊपर ये ब्लू बार बना है और यहाँ पर ब्रेकआउट आ सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेटअप है एलियट वेव के कुछ, और फिर ये XTL और ये DMA के सेटअप है वो हम सिखाएंगे जो इंटरेक्टिव क्लासेस में प्लान कर रहा हूँ उसके अंदर। फिर स्क्वीज़ का भी स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया, स्क्वीज़ को कैसे ट्रेड करना है, स्कैन कैसे करना है, फिर टर्बो का सेटअप, दैट मीन्स के जो CCI बेस्ड टर्बो है तो उस टर्बो के लिए स्कैन कैसे आपको करना है, टर्बो के जो सेटअप में आ रहा है स्टॉक्स उसको, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सब सिखाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि ये वेव 4 अब कंप्लीट हुआ है नहीं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर जो है वेव 4 का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया हो ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये जो DMA का है बाय आ गया है, यहाँ पर ये ब्लैक बार बनाया और उसका हाई क्रॉस किया तो इसके हिसाब से यहाँ पर बाय आ गया, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ब्लू बार बनना स्टार्ट हो गए हैं एंड इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर ये जो रिग्रेशन चैनल है उसको भी यहाँ पर ब्रेक किया, तो ये रिग्रेशन चैनल का भी कैसे यूज़ करना, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम कवर करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो है रिग्रेशन चैनल से भी यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, सो मुझे लग रहा है कि ये वेव 4 जो है यहाँ कंप्लीट हो ही गया है और अब जो है निफ्टी यहाँ पर 5th वेव के लिए ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये ब्लू बार बनाया है और आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आ गई, ये स्टॉप लॉस लेवल है, ये ब्रेकआउट लेवल है, ये टारगेट 1 है एंड दिस इज़ टारगेट 2। तो जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज़ अराउंड 17,796। अगर ये 17,796 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पर 75 मिनट के हिसाब से ये XTL का ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाएगा
और जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी 17,696। ये 17,696 का स्टॉप लॉस है। पहला जो टारगेट रहेगा दैट वुड बी 17,871। जब पहला टारगेट हिट हो जाएगा हमारा जो स्टॉप लॉस हम ट्रेल कर लेंगे कॉस्ट का, और जो दूसरा टारगेट है दैट इज़ अराउंड 17,921। तो ये ब्रेकआउट का ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। फिफ्थ वेव के लिए मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन आएगी, ये जो प्रीवियस स्विंग आया था वेव थ्री का दैट इज़ अराउंड 17,889, तो यहाँ पर 17,890, ये जो एलिवेट वेव का सेटअप है उसके हिसाब से लग रहा है कि 17,890 के आसपास ये मिनिमम जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है, और मुझे लग रहा है जैसे हमने ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस से डिस्कस किया, ये थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम है, बट ये जो एक स्विंग लो बनाया था दैट वॉज अराउंड 17,583। तो ये भी एक बहुत ही मतलब एक क्रूशियल सपोर्ट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। तो जब तक यहाँ पर ये जो है 17,583 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच निफ्टी के अंदर रखना चाहिए। अब हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी का। तो पहले उसका जो डेली चार्ट है उसको ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से समझते हैं कि चीज़ें किस तरह से हैं। तो यहाँ पर हम देखें बैंक निफ्टी में, तो ये एक स्ट्रांग मोमेंटम किया और प्राइस यहाँ पे देखे कि ये जो एटीएम है एग्जैक्टली वहाँ पे सपोर्ट लिया, और अब जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हो ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये जो है। और ये स्विंग हाई था जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया था दैट वाज अराउंड 42,640, तो उसको यहाँ पर क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है। RSI हम देखें 60 प्लस है एंड ADX इज़ राइजिंग, तो रिलेटिवली हम बात करें कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही यहाँ पर स्ट्रांग लग रहा है, और बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है इनफैक्ट यहाँ पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। अब हम यहाँ पर स्क्वीज़ के हिसाब से देखें बैंक निफ्टी को, तो पहले 75 मिनट का मैं जो स्क्वीज़ है वही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखें कि 75 मिनट के अंदर ये एक हेड फेक दिया है, ये जो है बॉलिंजर बैंड का एक कंसेप्ट है, हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, बट ये हेडफेक दिया और यहाँ से रिवर्सल आ गया ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आप देखोगे बैकग्राउंड ग्रीन है, दैट मींस ऑल द ईएमएस आर पॉजिटिवली अलाइन, और ये इंपॉर्टेंट पिवट था उसको भी यहाँ पे क्रॉस कर लिया है, और मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज जो है अब जो है ऊपर की साइड में फायर हो सकती है ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है। और इवन 125 मिनट का भी चार्ट हम करके देखें तो 125 मिनट में आप देखोगे यहाँ पर लो कॉम्प्रेशन स्क्वीज है, EMAs आर पॉजिटिवली अलाइन, और यहाँ पर मोमेंटम भी यहाँ पर भी देखोगे जीरो के ऊपर है, दैट मीन्स 70-80% चांस है कि ये जो स्क्वीज़ है अब ऊपर की साइड में फायर हो सकती है। 75 मिनट में भी यहाँ पर मोमेंटम जो है ज़ीरो के ऊपर है, तो काफ़ी स्ट्रांग है डेली के हिसाब से। अब 75 मिनट में हमारे पास स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है, एलिवेट वेव के हिसाब से कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो भी हम समझते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पर। सो बैंक निफ्टी में 75 मिनट की टाइम फ्रेम में हम देखें तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो मूव है उसको हम लेबल करते हैं सबसे पहले, दिस कुड बी वेव वन, दिस इज टू, ये थ्री है, दिस इज फोर एंड दिस इज फिफ्थ। यहाँ पर देखें कि ये जो ब्रेकआउट दिया था उसके तो सब टारगेट अचीव हो गए, पर फिर कोई ब्रेकआउट सेल आया ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर रेड बार बना होता तो ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड में दे सकता था, बट कोई रेड बार ही नहीं बना है, दैट मीन्स बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड है यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर। और ये जो वेव फोर की पैटर्न है, यहाँ पर वेव फोर में पहले हम रिट्रेसमेंट समझते हैं, देखिए बहुत ही सेलो रिट्रेसमेंट हो ऐसा लग रहा है। यहाँ पर हम ड्रॉ करें ये रिट्रेसमेंट ले पहले, तो आप देखिए कि इट इज़ लेस देन 0.236, और जनरली ये जो ट्रायंगल फॉर्म होता है बहुत ही कंजेस्टेड पैटर्न होती है, एक नैरो रेंज में मार्केट ट्रेड करता है, तो ये ट्रायंगल बनाया हो यहाँ पर वेव फोर के अंदर ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है ट्रायंगल की पैटर्न, और यहाँ पे ट्रायंगल से ब्रेकआउट दिया है, तो जो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन हमारा होना चाहिए था दैट वाज अराउंड 640, वो तो उसने हिट कर ही दिया है, अब स्क्वीज भी फायर हो रहा है। सो यहाँ पर अब क्या है कि फिफ्थ वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अब कहाँ जाके अटकेगा वो कहना काफ़ी मुश्किल है, बट स्क्वीज़ के हिसाब से हम देखें यहाँ पर तो 2 या 3 ATR का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। और जब तक यहाँ पर ये जो स्विंग लो है, जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखा 17,583, सो बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो स्विंग लो बनाया था दैट वाज अराउंड 41,961, तो जब तक ये
41,961 को ब्रेक नहीं करता है तब तक क्या है कि हमें बाय ऑन डिक्लाइन का अप्रोच रखना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई रिवर्सल आ गया या मेजर न्यूज़ आ गई तो बात अलग है। सो हमने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली की टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी, निफ्टी का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, स्क्वीज का स्ट्रक्चर दोनों का काफ़ी स्ट्रांग है और एलयूट के हिसाब से अभी निफ्टी में टारगेट नहीं हुआ है बट बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया, बट स्टिल इट इज़ लुकिंग स्ट्रांग लुकिंग एट द डेली स्ट्रक्चर। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगी। थैंक यू।